26 और 27 अक्टूबर 1947 की तारीख इसलिए याद रखी जाती है क्योंकि इस दिन कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। लेकिन सिर्फ तारीख याद रखने से ही सच्चे इतिहास का ज्ञान नहीं हो जाता है। ये तो हम सबको बताया गया है कि कैसे 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और फिर 26 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र दिल्ली भेजा और 27 अक्टूबर को विलय के पत्र पर भारत सरकार ने मोहर लगा दी और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन ये इतिहास जो हमें बताया गया है ये अधूरा है। हमें कभी नहीं बताया गया कि कश्मीर का भारत में बहुत पहले ही विलय हो सकता था और अगर ये विलय हो जाता तो एक तिहाई कश्मीर जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है उस पर आज तिरंगा लहरा रहा होता। आज खरी बात में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने भारत में कश्मीर का विलय करने में देरी की। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महाराजा हरि सिंह से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नेहरू कश्मीर को लूटते हुए देखते रहे। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेहरू को 25 दिन पहले से ही ये पता था कि कश्मीर पर पाकिस्तान हमला करेगा, लेकिन उन्होंने कश्मीर में विलय के लिए शेख अब्दुल्ला को सत्ता दिलवाने की शर्त रखी। नेहरू की वजह से ही विलय में देरी हुई और कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान का हो गया। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल के निवेदन पर संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर ने कैसे श्रीनगर जाकर महाराजा हरि सिंह को भारत में विलय के लिए मनाया। तो बिना देर किए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के इस रोमांचक अध्याय की शुरुआत। ये तो सबको पता है कि भारत के आज़ाद हो जाने के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में विलय नहीं किया था और इसी बात को लेकर वामपंथी इतिहासकार पानी पी पी कर महाराजा हरि सिंह को कोसते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि महाराजा हरि सिंह ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल इसके पीछे थी नेहरू और महाराजा हरि सिंह की पुरानी दुश्मनी। 1946 में नेहरू के दोस्त शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की सत्ता पाने के लिए महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसकी वजह से महाराजा ने शेख को गिरफ्तार कर लिया था और अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को छुड़ाने के लिए नेहरू कश्मीर पहुंच गए, जहां महाराजा हरि सिंह ने कानून तोड़ने और शांति भंग करने के आरोप में नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया था। नेहरू की इस हरकत से गांधी, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद काफ़ी नाराज हुए थे। अगर नेहरू के चेलों और चमचों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो फिर उन्हें नेहरू के परम प्रिय मित्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ना चाहिए, जिसका हिंदी अनुवाद आज़ादी की कहानी मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 139 पर मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि जवाहरलाल ने हमेशा से कश्मीर में प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए रुचि दिखाई है। जब शेख गिरफ्तार हो गए तो जवाहरलाल ने सोचा कि उन्हें कश्मीर जाना चाहिए। इस निर्णय से महाराजा हरि सिंह की सरकार चिढ़ गई और जवाहरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। मुझे इस घटना से प्रसन्नता नहीं हुई। कश्मीर सरकार का ये कदम मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने ये विचार किया कि ये समय कश्मीर को लेकर झगड़ा करने का नहीं है। मैंने जवाहरलाल से टेलीफोन पर बात की और उन्हें कहा कि तुम जितनी जल्दी हो दिल्ली लौट आओ, इस समय कश्मीर में प्रवेश करने की जिद करना ठीक नहीं है। नेहरू और महाराजा हरि सिंह की दुश्मनी 1947 में भी जारी रही। भारत जब आज़ाद हो गया तो रियासतों का मंत्रालय सरदार पटेल को सौंपा गया, जिनका काम रियासतों का भारत में विलय करना था। लेकिन कश्मीर का मामला खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने हाथ में रखा। महाराजा हरि सिंह नेहरू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें पता था कि नेहरू कश्मीर की सत्ता अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को सौंपना चाहते हैं, जो महाराज को मंजूर नहीं था। लिहाजा वो कश्मीर का भारत में विलय करने से हिचक रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सितंबर 1947 के अंत तक ये खुफिया जानकारी नेहरू तक भी पहुंच गई और उन्होंने पाकिस्तानी हमले से 25 दिन पहले यानी 27 सितंबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। इस पत्र में नेहरू ने साफ साफ पाकिस्तानी हमले की आशंका जताई, लेकिन बार बार इस पत्र में उन्होंने एक ही बात दोहराई कि महाराजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला को रिहा करना चाहिए और सत्ता में भागीदारी देना चाहिए, तभी कश्मीर का भारत में विलय हो सकता है। नेहरू का यह पत्र छपा है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल कश्मीर एवं हैदराबाद में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। नेहरू ने अपने पत्र में लिखा था कि खुफिया रिपोर्टों के आधार पर यह साफ है कि कश्मीर की स्थिति बहुत ही खतरनाक और बिगड़ी हुई है।
मुस्लिम लीग के नेता पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से कश्मीर में काफ़ी संख्या में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। सर्दियों में जब कश्मीर पूरे भारत से अलग थलग पड़ जाता है तब पाकिस्तान का कोई बड़ा एक्शन लेने का प्लान है। मुझे शक है कि महाराजा हरि सिंह की सेना अपने दम पर और बिना जन समर्थन के मुकाबला कर पाएगी। वास्तव में यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो हैं शेख अब्दुल्ला। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराजा नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ती कर लें जिससे पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें जन सहयोग मिल सकेगा। मुझे नहीं लगता कि महाराजा के पास शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के अलावा कोई और रास्ता है। मुझे लगता है कि कश्मीर का भारत में तत्काल विलय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब महाराजा और शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच शांति हो और दोनों मिलकर स्थिति को संभालने का कार्य करें। मुख्य बात यह है कि महाराजा शेख अब्दुल्ला का विश्वास और सहयोग प्राप्त करें। मैं फिर कहूंगा कि समय बड़ा बलवान है, इसलिए यही उचित होगा कि शेख अब्दुल्ला के सहयोग से कश्मीर का भारतीय संघ में जल्दी से जल्दी विलय हो जाए। आपका जवाहरलाल नेहरू। तो सुना आपने, नेहरू बार बार शेख अब्दुल्ला को रिहा करने और कश्मीर की सत्ता में उन्हें भागीदार बनाने की बात कर रहे हैं। उनका ये भी मानना था कि बिना शेख अब्दुल्ला के कश्मीर का भारत में विलय नहीं हो सकता है, जबकि हकीकत ये थी कि शेख अब्दुल्ला पूरे कश्मीर के नेता नहीं थे। उनका जम्मू, लद्दाख, कारगिल, गिलगित, बाल्टिस्तान में ज़रा सा भी असर नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग तो शेख अब्दुल्ला से नफरत करते थे। इतना ही नहीं, शेख अब्दुल्ला सभी मुसलमानों के नेता भी नहीं थे। कश्मीर के शिया मुसलमान जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी वो भी शेख अब्दुल्ला को अपना नेता नहीं मानते थे। कुल मिलाकर शेख का असर सिर्फ कश्मीर घाटी के दो चार ज़िलों में ही था, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के मसीहा कहे जाने वाले नेहरू जन भावना के खिलाफ जाकर अपने दोस्त को गद्दी पर बैठाने पर तुले हुए थे। उन्हें कश्मीर पर होने वाले पाकिस्तानी हमले से ज़्यादा चिंता अपने परम प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला के हितों की थी। इतना ही नहीं, नेहरू की वो 25 दिन पहले ही ये पता चल गया था कि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करने वाला है, लेकिन वो कोई एक्शन लेने के बजाय शेख अब्दुल्ला को श्रीनगर की गद्दी पर स्थापित करने का प्लान बनाने में जुटे हुए थे। उधर नेहरू का पत्र पाते ही सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह को विलय के लिए मनाने की कोशिशें तेज कर दी। 29 सितंबर 1947 को हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को भी जेल से रिहा कर दिया, लेकिन शेख अब्दुल्ला रिहा होने के बाद कश्मीर में रुकने के बजाय अपने परिवार को लेकर इंदौर रवाना हो गए, जहां उनकी विदेशी बीवी का भाई माइकल हेनरी होलकर राजघराने में ऊंचे पद पर था। सोचिए, जिस शेख को शेर कश्मीर कहा जाता था वो मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों को छोड़कर गीदड़ की तरह भाग गया था। खैर, उधर कश्मीर के हालात बिगड़ते देख सरदार पटेल ने मदद के लिए बुलाया आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवलकर को। महाराजा हरि सिंह पर गुरु गोलवलकर का प्रभाव था, इसलिए सरदार पटेल ने खुद गुरु गोलवलकर को कश्मीर पहुंचने का पूरा इंतजाम किया। 17 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज से गुरु गोलवलकर श्रीनगर पहुंचे और उसी दिन उन्होंने महाराज से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में क्या बात हुई इसका वर्णन मिलता है एमजी तपस्वी की किताब राष्ट्राय नमः में। इस किताब के पेज नंबर 100 पर तपस्वी लिखते हैं कि गुरु गोलवलकर इस मुलाकात में महाराजा हरि सिंह को यह समझाने में सफल हुए कि कश्मीर को आज़ाद रखने का ख्याल व्यर्थ है, पाकिस्तान इसे कभी सहन नहीं करेगा, वह राज्य के मुसलमानों और मुस्लिम सेना को भड़काकर विद्रोह करवा देगा। गुरु गोलवलकर ने महाराजा को भरोसा दिया कि सरदार पटेल कश्मीरियों के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। आखिरकार महाराजा हरि सिंह विलय संधि के लिए तैयार हो गए। 19 अक्टूबर को गुरु गोलवलकर दिल्ली लौट आए और उन्होंने सारी जानकारी सरदार पटेल को दे दी। सोचिए, दिन भर आरएसएस को पानी पी पी कर कोसने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने कितनी आसानी से गुरु गोलवलकर के इस योगदान को इतिहास की किताबों से मिटा दिया। आज तक आपको कभी ये नहीं पढ़ाया गया होगा कि कश्मीर अगर आज भारत का हिस्सा है तो इसमें गुरु गोलवलकर का भी अहम योगदान है। खैर, गुरु गोलवलकर से मुलाकात के बाद महाराजा हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय करने का मन बना चुके थे और इसी बीच 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर हमला बोल दिया और इसी के बाद शुरू होता है नेहरू का असली खेल। कबायली तेजी से आगे बढ़ रहे थे, देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री रामलाल बत्रा को विलय पत्र लेकर दिल्ली भेज दिया था। आप सोच रहे होंगे कि जब 24 अक्टूबर को ही महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र दिल्ली आ गया था तो इसे उसी समय स्वीकार क्यों नहीं कर लिया गया। आखिर 3 दिन की देरी
क्यों की गई और ये 3 दिन की देरी नहीं की जाती तो भारतीय सेना 24 अक्टूबर को ही कश्मीर पहुंच जाती और हजारों जानें बचाई जा सकती थी। यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे में आ गए कई कश्मीरी इलाके भी आज भारत के पास होते। दरअसल नेहरू ने 24 अक्टूबर 1947 को इस विलय पत्र को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें उनके परम प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपने का वादा नहीं था। 25 और 26 अक्टूबर को दिल्ली में लंबी लंबी बैठकें होती रहीं लेकिन नेहरू टस से मस नहीं हुए। आखिरकार बहुत जोर देने पर नेहरू ने वीपी मेनन को 26 अक्टूबर को श्रीनगर भेजा और साथ में उन्हें जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को दिल्ली लाने के लिए बोला। इसके बाद क्या हुआ इसका जिक्र खुद मेहर चंद महाजन ने अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में किया है। जस्टिस मेहर चंद महाजन बाद में जाकर भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश भी बने इसलिए उनकी लिखी बातों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। जस्टिस मेहर चंद महाजन अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में लिखते हैं, वीपी मेनन मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए आए थे। मैंने उन्हें बताया कि हमने अपने उप प्रधानमंत्री रामलाल बत्रा को पहले ही विलय पत्र लेकर दिल्ली भेज दिया है। मेनन ने मुझे बताया कि मेरे दिल्ली आए बिना कश्मीर को सैनिक मदद मिलना मुश्किल है। दिल्ली पहुंचने पर मैंने बताया कि कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए कश्मीर को तत्काल सैनिक मदद दी जाए। मैंने भावुक होकर कहा कि श्रीनगर को विनाश से बचाया जाना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा कर भी लिया तो भारत इतना ताकतवर है कि वो उसे वापस छुड़ा लेगा। नेहरू की ये बात सुनकर मैंने सोचा कि श्रीनगर को वापस तो छुड़वा लिया जाएगा लेकिन जो विनाश होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन फिर भी मैं सैनिक सहायता की मांग पर अड़ा था और नेहरू अपनी बात पर अड़े हुए थे। नेहरू के घर पर हो रही इस सनसनीखेज बैठक के बारे में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद महाजन ने अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में जो आगे लिखा है वो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया है कि नेहरू को विलय पर मनाने के लिए उन्हें धमकी तक का सहारा लेना पड़ा। जस्टिस महाजन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कबायली श्रीनगर के दरवाजे तक आ पहुंचे थे। नेहरू फिर भी कश्मीर के भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे थे जब तक कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती। तब मैंने कहा कि हमारे विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर कश्मीर को सैनिक मदद दीजिए और जिस पॉपुलर पार्टी यानी शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप जो सत्ता देना चाहते हैं वो दे दीजिए, लेकिन कल तक श्रीनगर में भारतीय सेना पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मुझे श्रीनगर को विनाश से बचाने के लिए जिन्ना के पास जाकर समझौता करना होगा। अगर आपको फिर भी जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री और बाद में जाकर इस देश के चीफ जस्टिस बने मेहर चंद महाजन की बात पर यकीन नहीं हो रहा तो फिर आपको सरदार पटेल के जीवन पर लिखी गई मशहूर लेखक दिनकर जोशी की यह किताब महामानव सरदार पढ़ना चाहिए जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस बैठक में मेहर चंद महाजन किस तरह से नेहरू के अड़ियल रवैये से परेशान हो गए थे इसका पूरा वर्णन है। दिनकर जोशी ने अपनी किताब के पेज नंबर 201 पर भारत का इतिहास बदल देने वाली इस अहम बैठक के बारे में लिखा है कि बैठक में नेहरू ने महाजन से कहा कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आग झपकते ही भारतीय सेना कश्मीर पहुंच जाए। आप मुझे धमकी मत दीजिए, आप चाहें तो यहां से जा सकते हैं। नेहरू की ये बात सुनकर महाजन उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगे। तब सरदार पटेल ने महाजन को रोकते हुए कहा कि महाजन आप जिन्ना के पास नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठिए, चाहे हमारे पास साधन हो या ना हो हमें कश्मीर की रक्षा करनी ही होगी। महाजन जब ये धमकी दे रहे थे तो इसकी गूंज तत्काल शेख अब्दुल्ला के कानों तक भी पहुंची जो उस वक्त नेहरू के घर पर ही रुके हुए थे। असल में शेख ने इंदौर में अपने परिवार को छोड़ने के बाद सीधे दिल्ली आने का फैसला किया था और नेहरू के घर में ही जाकर वो टिक गए थे। जब शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथ से सत्ता फिसलते देखी तो उन्होंने एक पर्ची नेहरू तक पहुंचाई। महाजन के मुताबिक शेख ने इस पर्ची पर लिखा था कि जो महाजन का विचार है वही उनका भी विचार है। ये पर्ची देखकर नेहरू का रुख पूरी तरह से बदल गया। आखिरकार 27 अक्टूबर की सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के जाबाज सिपाही उतर गए और इसी के साथ शुरू हो चुका था भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध। लेकिन इस बीच नेहरू अपनी चालबाजी से बाज नहीं आए। 27 अक्टूबर को उन्होंने वीपी मेनन को जम्मू भेजकर महाराजा हरि सिंह से विलय के सप्लीमेंट पेपर पर लिखवाया कि वो शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का आपातकालीन प्रशासक बनाते हैं। यानी साफ है कि जब महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की सत्ता सौंप देने की बात मान ली
तभी नेहरू ने कश्मीर की रक्षा के लिए सेना भेजने पर हामी भरी, यानी एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे। लेकिन इस लेन देन और सौदेबाजी के बीच कश्मीर को और बाद में जाकर इस देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा। अगर भारत 24 तारीख को ही सेना भेज देता तो बारामूला, पुंछ, रजौरी, नौशेरा, अखनूर, कोटली और छंब में हजारों लोगों की जान और हजारों महिलाओं की इज्जत बच जाती, जिन्हें कबायलियों ने तार तार कर दिया था। लेकिन फिर वो नेहरू ही क्या जो सही समय पर सही फैसला ले ले। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।